हे फूडीज, आपने कभी अपने घर पर चॉको चिप्स बनाया हो तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही जल्द मेल्ट होने लगते हैं, मतलब कि पिघलने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे घर पर चॉको चिप्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी बहुत ही बढ़िया से टिप्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने नीचे पतीले में थोड़े से उबलते हुए पानी को ले लिया है, जिस पर मैंने एक ग्लास बाउल को रख लिया है और जिसमें मैंने थोड़े से डार्क चॉकलेट को डाल लिया है। आप जितने क्वांटिटी में यहाँ पर चॉको चिप्स बनाना चाहते हैं उतने डार्क चॉकलेट को यहाँ पर ले लीजिए। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना भी हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल वाला जो डेयरी मिल्क चॉकलेट आता है उसको इसी तरह से डबल बॉयलर मेथड में आप मेल्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बस सिर्फ 50 ग्राम जितने डार्क चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ही बहुत सारे ढेर सारे चॉको चिप्स आपके बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम चॉकलेट से ढेर सारे चॉको चिप्स आपके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने परफेक्टली चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, अब उसको साइड में रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए क्योंकि हमारा मिक्सचर हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होने दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। और उसके बाद देखिए, हर किसी के घर में इस तरह के दूध के पैकेट्स तो होंगे ही, जिसको मैंने अच्छे पानी के साथ वॉश करके थोड़ा सा सुखा लिया था और उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको ग्लास में रख के इसमें जो चॉकलेट मैंने मेल्ट किया था उसको डाल लिया है। अब चॉकलेट को डाल लेने के बाद इसको एक रबर बैंड की मदद से अच्छे से टाई कर दीजिए। इस तरह से टाई कर लेने के बाद बटर पेपर ले लीजिए अगर आपके पास हो, और अगर बटर पेपर ना हो तो आप इसकी जगह पर एल्यूमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ना हो तो आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बटर पेपर बना सकते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर कर दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को मेरे चैनल से देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद देखिए, इस पैकेट को सामने से मैंने थोड़ा सा होल लगा लिया था और उसके बाद इसको इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स में मैंने डाल लिया है। अब इनको हमें सुखाना पड़ेगा, अगर आप इनको खुले में सुखाएंगे तो ढेर सारा समय लेंगे, इसकी वजह से मैंने इनको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था 2 से 3 घंटों तक। 3 घंटे के लिए इनको रख दीजिए और उसके बाद ये बहुत ही ईजिली डिमोल्ड होकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं, जब आप इनको फ्रिज से निकालेंगे तो वो खुद से ही डिमोल्ड होकर आ जाएंगे, इतने ईजिली ये डिमोल्ड होंगे। और हाँ, जो टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बता देती हूँ, अगर आप इनको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं बिना मेल्ट हुए तो आप इनको एक 8-8 कंटेनर में डालकर नॉर्मल फ्रीज में स्टोर मत कीजिएगा, इनको आप डीप फ्रीज में ही स्टोर कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल फ्रीज में स्टोर कर रहेंगे तो इसको निकालने के तुरंत बाद ही ये मेल्ट होने लगेंगे, तो आप इनको डीप फ्रीज में ही स्टोर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।